हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंफर्ट फूड्स बाय सरिता। आज हम बनाएंगे पांगी भात, इसे ब्रिंजल राइस भी कह सकते हैं। ये कर्नाटक के मैसूर रीजन की एक ट्रेडिशनल डिश है। यहाँ मैंने एक कप ब्राउन सोना मसूरी राइस लिया है, जिसे एक घंटे के लिए भिगो दिया था। आप कोई भी शॉर्ट ग्रेन राइस ले सकते हैं। राइस को ऐसा पकाएं कि वो खिला खिला बने। अब ये राइस हमारा हो गया है, इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और बाकी का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने 3 बैंगन लिए हैं और पानी में थोड़ा सा नमक डाल दिया है। अब हम बैंगन को काट कर इसी पानी में छोड़ते जाएंगे। इससे बैंगन का स्वाद खराब नहीं होता, कड़वा नहीं होता। बैंगन को लंबाई में काटेंगे, करीब 2 इंच के टुकड़े काट लेंगे। तो बैंगन कट गए हैं, अब हम वांगी भात पाउडर बनाएंगे। तो यहाँ हम ले रहे हैं 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून उड़द की दाल, 1 टेबलस्पून चने की दाल, 1/4 टीस्पून मेथी दाना, 4-5 कश्मीरी लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून फ्रेश कोकोनट ग्रेट किया हुआ। अब एक फ्राई पैन में 1 टीस्पून से भी कम घी डालेंगे और उसमें डाल देंगे धनिया और दोनों तरह की दाल। मेथी दाना भी डाल देंगे और इन्हें तब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि दालें गोल्डन ना हो जाएं। धीमी फ्लेम पर ही रोस्ट करेंगे। तो सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह रोस्ट हो गए हैं, अब हम गैस को बंद कर देंगे और इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। अब हम 1/2 टीस्पून के करीब और घी डालेंगे और इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च। ऐसा करने से लाल मिर्च का कलर अच्छा सा निखर के आता है। अब इन्हें भी प्लेट में निकाल लेंगे और कोकोनट को रोस्ट कर लेंगे। अगर फ्रेश कोकोनट नहीं है तो डेसिकेटेड कोकोनट भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्सी में पीस लेंगे। और ये हमारा वांगी भात पाउडर बनकर तैयार हो गया। कितना अच्छा कलर आया है। अब हम यहाँ थोड़ा सा इमली का पेस्ट ले रहे हैं, उसमें थोड़ा पानी मिला देंगे। अगर आपके पास गीली वाली इमली हो तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। आंवले के साइज़ का एक छोटा बॉल ले लें और उसे पानी में भिगो के रख दें। तो चलिए अब हम बैंगन फ्राई करते हैं। इसके लिए हम 2 टीस्पून तेल लेंगे और 2 टीस्पून घी। गरम होने पर हम सरसों के दाने डाल देंगे। इसके बाद 1 टीस्पून उड़द दाल, 1 टीस्पून चना दाल, ये डालकर फ्राई करेंगे। फिर डालेंगे 1 टुकड़ा दालचीनी और 2-3 लौंग, थोड़े करी पत्ते, थोड़ी सी हींग और अब इसमें बैंगन डाल देंगे, 1 पिंच हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। और फिर ढक कर इसे पकाएंगे। अब ये बैंगन ऑलमोस्ट हो गए हैं, इसमें हम इमली का पेस्ट डाल देते हैं। 2 टेबलस्पून वांगी भात पाउडर भी डाल देंगे। मिक्स करेंगे और फ्लेम को धीमी रखेंगे। तो तीखा और खट्टा फ्लेवर तो आ गया, अब इसको बैलेंस करने के लिए 1 चम्मच गुड़ का पाउडर डाल देंगे। अब आगे की तैयारी करते हैं। 1 प्याज को रफली चॉप कर लेंगे। 1 बैंगन को 1 प्लेट में निकाल लिया है, अब उसी पैन में 2 चम्मच घी डालेंगे और इसमें चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे। थोड़ा सा नमक डाल देंगे जिससे प्याज जल्दी कुक हो जाए। तो प्याज देखिए लाइट ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच
वांगी भात पाउडर डाल देंगे। और अब हम इसमें कुक राइस मिला देंगे। इसके बाद तैयार बैंगन भी डाल देंगे और सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। दो चम्मच की सहायता से मिलाएंगे तो अच्छी तरह मिल जाएगा और बैंगन टूटेगा भी नहीं। अब हम इसे ढककर 3-4 मिनट पकाएंगे। तो ये देखिए वांगी भात रेडी हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। रोस्टेड पीनट से गार्निश कर देंगे और थोड़ा फ्रेश या डेसिकेटेड कोकोनट भी डाल देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया और ये हमारा बहुत ही टेस्टी वांगी भात बनकर तैयार हो गया। पापड़ और रायता इसके साथ बहुत अच्छा जाएगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।